हाई गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत, और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ फाइनली DJI ने अपना नया मैविक 3 अनाउंस कर दिया है, जिसका लगभग 6 महीने से मैं रूमर सुन रहा था। 6 मंथ से लगातार रूमर आ रहा था मैविक 3 आने वाला है। पिछले 1 महीने में ना DJI ने अपने 3 नए प्रोडक्ट अनाउंस किए। एक तो सिनेमा कैमरा अनाउंस किया, आई डोंट नो वो कौन खरीदेगा। दूसरा एक एक्शन कैमरा अनाउंस किया, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ना ही उनका सिने कैमरा मुझे पसंद आया, ना ही मुझे उनका जो एक्शन कैमरा जो लॉन्च हुआ है वो पसंद आया। ये जो ड्रोन है ना, इसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था बिकॉज बहुत टाइम से इसका रूमर आ रहा था। और एक्चुअली मैं इस बार एरियल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का जो लेवल है ना, वो DJI ने एक स्टेप और अप कर दिया है। कूट कूट के फीचर डाल दिए हैं। अगर आप ऑफकोर्स एक प्रोडक्शन लेवल का वर्क या हाई क्वालिटी का कंटेंट शूट करना चाहते हो तो ये ड्रोन ना डेफिनेटली आप लोगों को जानना जरूरी है। बिफोर वी स्टार्ट गाइज, मैं सब लोगों को हैप्पी दिवाली बोलना चाहूंगा, और थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग काफ़ी टाइम से मेरे साथ में चैनल में जुड़े हुए हो। और बाकी जिन्होंने भी मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है, तो आई विल डेफिनेटली आस्क देम कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऑफ माई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्टेंट जो है मेरे चैनल पर अपलोड करता हूँ, जिससे आप काफ़ी कुछ नया सीख सकते हो। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली जिन्होंने भी आज मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है, काफ़ी टाइम से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब क्विकली जंप करते हैं वीडियो की तरफ। सो एज आई सेड गाइस, DJI Mavic 3 ये सक्सेसर है Mavic 2 का। Mavic 2 जो है वो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, Mavic 2 Pro। और Mavic 2 Pro जब आया था तब वो फर्स्ट टाइम 1 इंच के सेंसर में आया था। मतलब एक ड्रोन में 1 इंच का सेंसर, आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले जब ड्रोन वो लॉन्च हुआ था DJI Mavic 2 Pro, बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली में बहुत बड़ी बात थी। 1 इंच का सेंसर ना मींस आपके पास काफ़ी ज़्यादा कलर्स कैमरा जो है वो रिकॉर्ड करेगा, लो लाइट में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो सब जब Mavic 2 Pro लॉन्च हुआ था तब कंपनी ने ऑलरेडी एक लेवल अप कर दिया था एरियल फोटोग्राफी का और फिल्म मेकिंग का। नाउ जब Mavic 2 Air S आया, जो कि 6 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, और जो वन ऑफ दी बेस्ट ड्रोन मैं बोलूँगा 1,50,000 की प्राइस रेंज में, अगर आप वेडिंग वीडियोग्राफी और अदर सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट शूट करते हो, तो 1,50,000 में ना Mavic 2 Air S में भी आपको 1 इंच का सेंसर मिल गया, 4K 60p रिकॉर्डिंग मिल गई, काफ़ी कुछ DJI ने उसमें ऐड कर दिया। एंड नाउ वी ऑल आर वेटिंग कि यार अब Mavic 3 में क्या आएगा, अब Mavic 3 में DJI क्या लेके आएगा। एंड यहीं पे पूरा का पूरा गेम चेंज हुआ। आज सुबह 7:30 बजे DJI ने इस ड्रोन को अनाउंस किया, एंड लिटरली गाइज ये गेम चेंजिंग ड्रोन है इन टर्म्स ऑफ एरियल वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इस ड्रोन में आपको फर्स्ट टाइम पे डुअल लेंस मिल रहे हैं, साथ साथ में ये पहली बार हुआ है कि एक ड्रोन में आपको माइक्रो 4/3 का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि 4x3 का सेंसर है। अब 4x3 का सेंसर, आप सभी लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये कौन सा सेंसर है, यार ये सेंसर 1 इंच से बड़ा होता है, जो कि आपका जो फुल फ्रेम सेंसर होता है उससे 2 टाइम छोटा होता है, 1 इंच सेंसर से 0.7 टाइम्स जो है बड़ा होता है। तो ऑफकोर्स आपको काफ़ी अच्छी वीडियो और फोटो की इसमें क्वालिटी देखने को मिलेगी, इवन लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा बिकॉज काफ़ी बड़ा जो है वो सेंसर इसमें ऐड किया गया है। अब ये जो सेंसर है ना, ये पिछले कुछ टाइम पहले DSLRs में भी आया करता था, माइक्रो 4/3 वाले DSLRs आया करते थे, अगर आपको याद हो पैनासोनिक का GH5 और इस टाइप के जो पैनासोनिक के कैमरास थे, वो काफ़ी सारे ऐसे और भी ब्रांड्स थे, जो जैसे ओलंपस था वो भी माइक्रो 4/3 जैसे सेंसर्स के ऊपर जो है वो काम कर रहा था। पर अब क्या है, माइक्रो 4/3 का जो DSLR फोटोग्राफी में जमाना खत्म हो गया। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि माइक्रो 4/3 जो कि है एक ड्रोन में आपको देखने को मिल रहा है। और एक्चुअली में अब जब ये ड्रोन अनाउंस हुआ है ना, इसके बाद से फैंटम सीरीज जो आती है, फैंटम 4 सीरीज, उस ड्रोन को लेने का कोई भी सेंस नहीं है। अब लेट्स सी कब फैंटम का अपग्रेड आएगा नया, बट अब जब ये Mavic 3 आया है तो इसके बाद आपको ऑफकोर्स फैंटम में इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है बिकॉज ऑफ काफ़ी बड़ा सेंसर जो है आपको इसमें देखने को मिल रहा है। अब सेंसर बड़ा है तो क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं। देखिए, पहली बात, इसमें 2 लेंस दिए गए हैं। एक लेंस जो है वो स्टैंडर्ड लेंस है, जिसमें आपको 4x3 का सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि 24mm की फोकल लेंथ इक्वलेंट आपको देगा बना करके, और फोटो के अंदर उसमें 20MP का रेजोल्यूशन दिया गया है। फोटोग्राफी में 12.8 स्टॉप की डायनेमिक रेंज जो है वो क्लेम करता है, जब आप DNG पे शूट करोगे या रॉ पे शूट करोगे। इसके साथ साथ में स्टैंडर्ड ऑटो फोकस आपको देखने को मिलेगा। इस बार ये वेरिएबल अपर्चर भी दिया गया है, तो आपको f2.8 से लेकर के f11 तक का जो है अपर्चर देखने को मिलेगा। दैट इनसेन, मतलब अगर आप एरियल शूट कर रहे हो एंड यू वॉन्ट टू कंट्रोल ऑन योर डेप्थ ऑफ फील्ड, तो आपके पास अपर्चर का जो है वो रेंज है, ये फिक्स अपर्चर लेंस नहीं है, ये वेरिएबल अपर्चर लेंस है। एंड देन इसके साथ साथ में आप ऑफकोर्स अगर आप बहुत सनलाइट में शूट कर रहे हो, तो इन केस ऑफ दैट भी आप लाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, शटर स्पीड को कंट्रोल करके, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो आपको एक वेरिएबल अपर्चर की लेंथ मिल जाती है इसमें काफी अच्छी, जो कि एरियल फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अमेजिंग है। इट मींस आप प्रो लेवल की जो एरियल फोटोग्राफी इससे कर पाओगे। एंड 12
6.8 स्टॉप की डायनेमिक रेंज है, तो काफ़ी अच्छी जो है वो हाइलाइट्स और शेडोज में से ये डिटेल रिकवर करेगा। लेंस जो है वो इन्होंने हैसल ब्लड का रखा हुआ है इस बार। आपको पता है DJI ने हैसल ब्लड को टेक ओवर कर लिया था, राइट? तो टेक ओवर करने के बाद से अभी तब से लेकर के जो इनकी प्रो सीरीज है ना उसमें हैसल ब्लड के लेंसेज ही यूज़ कर रहा है। नाउ जो इसका सेकेंड लेंस है ना, वो लेंस है वो जूम लेंस है, जिसमें आप अगर एक्स्ट्रा जूम इन करना चाहते हो अपने कंटेंट के अंदर तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो आप उस लेंस से वो पेरिस्कोपिक लेंस ऐड किया गया जो आजकल हम लोग मोबाइल फोन्स में भी देखते हैं इन दिनों में, उस लेंस के थ्रू आप 28x तक का हाइब्रिड जूम कर सकते हो। तो बहुत अमेजिंग है अगर आप एरियल वीडियोग्राफी कर रहे हो, है ना, और एरियल फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपको एक एडिशनल लेंस भी देखने को मिलता है। हालांकि उसका सेंसर छोटा है और अपर्चर भी f/4.4 का है, तो आप लो लाइट में ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे उससे, बट अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हो कंटेंट, तो आपको एक काफ़ी अच्छा जूम रेंज भी ड्रोन में इनबिल्ट मिल जाता है। मतलब आप काफ़ी दूर से ड्रोन फ्लाई करते करते अपने सब्जेक्ट के ऊपर मैग्निफिकेशन ऐड कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी वीडियो फीचर्स, जिस वजह से ये ड्रोन बहुत इनसेन है। सो इस ड्रोन में अगर आप 5.1K रेजोल्यूशन पे शूट करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप 5.1K रेजोल्यूशन पे शूट कर पाओगे 50 फ्रेम्स पे, विच इज़ वंस अगेन अ ग्रेट डील। इसके साथ साथ में 4K 60 फ्रेम और 4K 120 फ्रेम तक का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट गाइज, आप 10 बिट 4:2K फाइल्स पे भी शूट कर सकते हो। बट 10 बिट 4:2 में कंपनी ने क्या किया है कि 10 बिट 4:2 जो है वो केवल इसका डी लॉग, यानी जो फ्लैट प्रोफाइल है ना उस पर ही वर्क करेगा। अदरवाइज आप जो है वो 10 बिट 4:2 नहीं यूज़ कर पाओगे स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स पे। अगर आप लॉग शूट कर रहे हो तो लॉग पे ही आप बेसिकली इसका डी लॉग जो है वो यूज़ कर पाएंगे 10 बिट 4:2 वाले कोडैक के ऊपर। तो आपको 4K 120 फ्रेम 10 बिट 4:2 का ऑप्शनैलिटी इस ड्रोन में मिल रहा है टू शूट योर कॉन्टेंट। इसके साथ साथ में गाइस, DJI ने जो है एक अलग नया गेम खेला है। DJI ने दो ड्रोन लॉन्च करे हैं। सो एक का नाम है DJI Mavic 3, दूसरे का नाम है DJI Mavic Cine। अब दोनों ही जो ड्रोन है वो ऑलमोस्ट सेम फीचर्स में आ रहे हैं, बट आपको अगर आप सिने वाला जो मॉडल लेंगे उसमें आपको दो बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब वो क्या बेनिफिट मिलता है? पहला कि आपको 1TB का SSD जो है वो बिल्ट इन मिलेगा, और दूसरा आप एप्पल प्रोरेस पे शूट कर सकते हो 4K 120 फ्रेम, जिसमें जो मेगाबिट रहेगी वो रहेगी 3774 MBPS की। तो अगर प्रोडक्शन लेवल का वर्क है तो आपको बिल्ट इन प्रोरेस शूट के लिए मिल रहा है, बट वो सिने वाले मॉडल में है। अगर आप स्टैंडर्ड मैविक 3 लोगे, देखो इसमें इस बार DJI ने प्रो वो का चक्कर नहीं रखा है जैसे पुराने वाले में मैविक 2 प्रो आया करता था, प्रो व्रो सब हटा दिया है, केवल मैविक 3 है और मैविक 3 सिने है। तो सिने में आपको एडिशनली 1TB की SSD बिल्ट इन मिलेगी, जिसके अंदर आप इंटरनली प्रोरेस शूट कर सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप ड्रोन फ्लाई करेंगे तो आप एक्सटर्नल SSD तो नहीं लगा सकते उसके अंदर। दैट्स वाई DJI ने बिल्ट इन SSD दे दिया, ताकि आप अगर 4K में प्रोरेस शूट करना चाहते हो तो आप उस 1TB के अंदर ही इंटरनली शूट कर लो। इसके साथ साथ में इसका फ्लाइंग टाइम भी इंप्रूव कर दिया है, तो 46 मिनट का फ्लाइंग टाइम कंपनी क्लेम कर रही है। वंस अगेन बहुत ही अमेजिंग बात है, बिकॉज अभी तक जो DJI Mavic Air 2S आ रहा है उसके अंदर अराउंड 35-40 मिनट का फ्लाइंग टाइम मिलता है, इसमें आपको अराउंड 46 मिनट मिलता है। कंपनी 46 मिनट बोल रही है, इट मींस अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट और 35 मिनट तो एटलीस्ट फ्लाई कर ही जाएगा। इसके साथ साथ में एक्टिव ट्रैकिंग 5.0 है, और एक्टिव ट्रैकिंग में क्या होता है, जनरली अगर ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो ऑब्स्टिकल से भी ड्रोन को ऑटोमेटिक बचना होता है, जो कि पुराने ड्रोन्स में जो है वो लिमिटेशन थी। बट यहाँ पे इन्होंने ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए एक पूरा का पूरा नया सिस्टम यूज़ किया है, हॉरिजॉन्टल ओमनी डायरेक्शनल वीडियो सेंसिंग। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो एक तो ड्रोन के चारों तरफ ही आपको जो है वो ऑप्टिकल सेंसर्स मिलेंगे जो कि ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करेंगे आपके लिए, ठीक है। और ये एक तरीके से एक AI एल्गोरिदम को यूज़ करके सब्जेक्ट को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, और अगर कैमरा एक्टिव मोड पे भी है या मास्टर शॉट ऑटोमेटिक वाले जो शॉट्स आपको मिलते हैं मास्टर शॉट, उस पे भी आप इसको यूज़ करोगे ड्रोन को भी, तो ये ऑब्स्टिकल्स को ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देगा। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब दैट इज समथिंग विच एवरीवन लुकिंग फॉर, क्योंकि ड्रोन बहुत जल्दी क्रैश हो जाते हैं। इसके अंदर जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस दिया गया है ना, वो नाउ एक नेक्स्ट लेवल वाला जो है आपको देखने को मिलता है। नाउ आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, अब इसका प्राइस क्या है? As I said in the beginning, यार प्राइस काफी हाई है इसका, बिकॉज ऑफ एक प्रोडक्शन लेवल का ड्रोन जो है वो कंपनी ने लॉन्च किया है। सो वेट 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 गाइज, अगर आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं और लाखों में कमाना चाहते हैं, तो मैं पूरा का पूरा मेरा कोर्स जो है वो गिव अवे कर रहा हूँ। और इस कोर्स में जो मैंने इन डेप्थ, अगर आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कैसे लाइटिंग करनी चाहिए, कौन सा कैमरा खरीदें, कैसे कीवर्ड रिसर्च करें, वो सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में इन डेप्थ एक्सप्लेन करी हुई है। और मैं ये फुल गिव अवे कर रहा हूँ गाइस, जो केवल 200
मेरे बिगिनिंग के फॉलोवर्स होंगे उन्हीं को इसका गिव अवे मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के थ्रू मेरे कूपन कोड को अप्लाई करके और इस कोर्स को फ्री में अवेल कर सकते हो और सब कुछ यूट्यूब के बारे में फ्री में सीख सकते हो। तो जाकर के जरूर इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। अब प्राइस जो है वो ग्लोबल प्राइस की अगर मैं बात करूँ, अगर केवल आप मैविक 3 ले रहे हैं तो मैविक 3 जो है उसकी प्राइस ये ऑफर कर रहे हैं विदाउट फ्लाई मोर कॉम्बो, तो जो कि आपको $2,200 का पड़ेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 170,000 के बीच में, ठीक है। और अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो ले रहे हैं तो आपको $3,000 पे करने पड़ेंगे। $3,000 में आपको ड्रोन मिलेगा, इसका बैग मिलेगा, इसकी 3 बैटरी मिलेंगी, चार्जिंग हब मिलेगा, एनडी फिल्टर्स साथ में मिलेंगे 4 स्टॉप के। तो $3,000 इट मीन्स अराउंड 227,000 जो है इसका ग्लोबल प्राइस है। और जब तक ये इंडिया में आएगा तो इंडिया में आप सोच लो मैविक एयर जो है, एयर 2S जो है $1,000 का लॉन्च हुआ था बाहर मार्केट में और $1,200 का फ्लाई मोर कॉम्बो मिल रहा था। $1,200 अराउंड 1 लाख के अप्रॉक्सीमेटली था और जब इंडिया में आया तो इंडिया में वो 1,40,000 का बिकता है। तो ऑलमोस्ट 40,000 का फर्क है आउट ऑफ इंडिया की प्राइसिंग से। अब जब ये इंडिया में आएगा तो इसकी ऑलरेडी प्राइस जो है वो 2,30,000 के बीच में है। और लेट्स सी इंडिया में आते आते अराउंड मुझे लगता है अगर आप मैविक 3 लेंगे ना ओनली, वो आपको अराउंड 2,80,000 के बीच में बैठेगा, जहाँ तक मेरा एक आइडिया है, क्योंकि इतना प्राइसिंग के अंदर जो है इंडिया में डिफरेंस आ ही रहता है। नाउ टॉक अबाउट मैविक 3 सिने। अब मैविक 3 सिने जो है ना उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रखी है इन्होंने, $5,000 की है। $5,000 मतलब 3,70,000 रुपये समथिंग जो है वो ग्लोबल प्राइसिंग है। अब लेट्स सी इंडिया में कितनी प्राइसिंग में आता है, 4,20,000 तक मुझे लगता है आना चाहिए। और इस ड्रोन के बाद ना फैंटम जो है वो सीरीज लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। वंस अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो कर ले मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताएं। स्टे ट्यून गाइज एंड कीप शूटिंग।